छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता जिस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह जनता के सामने है। राडिया खेड़ा द्वारा भूपेश बघेल को दूसरा अजीत जोगी कहने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र का चुनाव और रायपुर दक्षिण रायपुर के चुनाव में अब साफ हो चुका है। धान खरीदी को कर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे, किसानों का हितैषी बनने का नाटक न करे। बीजेपी की सरकार ही हमेशा किसानों के बारे में सोचती है। 13 दिसंबर को बीजेपी की सरकार को एक साल पूरा होने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी के एक साल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है और इन एक सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वो बताता है कि ये एक साल उपलब्धियों से भरा रहा है, ऐतिहासिक रहा है। बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े काम इन एक सालों में किया है। असंभव सा लगने वाला काम भी विष्णु के सुशासन के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। चाहे 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन की राशि देने का मामला हो, 12 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस देने का मामला हो, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का मामला हो, एक मुफ्त राशि देने का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच का मामला हो, तेंदुपत्ता के बोनस का मामला हो, ये सारे बड़े वायदे हमने एक साल में पूरे किए हैं। जो राज्य का विकास अवरुद्ध हो गया था, गांव और शहरों का विकास अवरुद्ध हो गया था, गांव और शहरों का विकास तेज गति से हमने बढ़ाना प्रारंभ किया है। तो जो हमने कहा है, हमने बनाया है, तो हम ही संवारने का काम लगातार कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये एक साल उपलब्धियों भरा रहा है। तो ये उल्लास का समय होगा, उत्सव का समय होगा कि छत्तीसगढ़ एक बार फिर तेज गति से आगे बढ़ रहा है।